बॉलीवुड का हिस्सा बनने के लिए, अपना करियर एक्टिंग में बनाने के लिए हर साल हजारों की संख्या में नए नए चेहरे सपनों के शहर मुंबई में आते हैं। कितनों के अरमान पूरे होते हैं, लेकिन कितने तो सिर्फ सपने ही देखते रह जाते हैं। वैसी ही एक अदाकारा जिन्हें कभी सुल्तान मूवी में साइन किया गया था एक्टर सलमान खान के अपोजिट, लेकिन उन्हें रोल से बाहर कर दिया गया, मृणाल ठाकुर। महाराष्ट्र के धुली डिस्ट्रिक्ट के धुली शहर में जन्मी एक मराठी परिवार से ताल्लुक रखने वाली मृणाल का जन्म 1 अगस्त 1992 को हुआ। मृणाल ने अपनी स्कूलिंग नवीन मराठी शाला श्री रामपुर और सेंट जोसेफ कन्वेंट स्कूल जलगांव से पूरी करी है और अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई वसंत विहार हाई स्कूल मुंबई से, और अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी है किशीचंद चेलाराम कॉलेज मास मीडिया में। वैसे तो मृणाल ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत कॉलेज में ही शुरू कर दी थी, जब वह अपने कॉलेज में ही अपनी दोस्त की एडवाइस पर एक ऑडिशन देने गई थी, जिसके बाद उन्हें एज ए लीड रोल के तौर पर साइन किया गया था स्टार प्लस के शो मुझसे कुछ कहती है ये खामोशिया के लिए। लेकिन टीवी से लेकर बॉलीवुड तक मृणाल के एक्टिंग करियर बहुत ही उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। शो तो सिर्फ 2 साल ही चला, 2012 से 2013 तक, जिसके बाद वह नजर आई 2013 में हर युग में आएगा एक अर्जुन के सिर्फ एक एपिसोडिक अपीयरेंस में, जिसमें उन्होंने रोल निभाया था एक पत्रकार साक्षी अहमद का, जिसके बाद वह साल 2014 में हिस्सा बनी एकता कपूर के डेली सोप कुमकुम भाग्य का, जिसे दर्शकों के द्वारा बहुत प्यार मिला, जिसमें वह दिखी बुलबुल अरोड़ा के रोल में। 2 साल तक शो का हिस्सा बनने के बाद मृणाल ने शो 2016 जनवरी में छोड़ दिया, लेकिन जब तक वह शो का हिस्सा बनी अपनी एक्टिंग के दम पर मृणाल ने बहुत वाहवाही लूटी। यहाँ तक कि क्रिटिक्स ने भी मृणाल की एक्टिंग को बहुत सराहा। बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने से पहले मृणाल साल 2012 में नजर आई थी एक इंडो अमेरिकन मूवी लव सोनिया में। लव सोनिया हमारे समाज में होने वाले एक ऐसी घटना पर आधारित थी, मानव अंगों की तस्करी के बारे में। मूवी तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन मृणाल की एक्टिंग को बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया, जिसके कारण ही वह साल 2018 में बेस्ट न्यूकमर अवार्ड से भी सम्मानित की गई थी लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल के दौरान। मृणाल को ये रोल आसानी से नहीं मिला था, इसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, बल्कि उन्हें 17 केजी अपना वेट भी कम करना पड़ा था, जिसके कारण ही उन्हें सुल्तान मूवी से बाहर किया गया था, क्योंकि लव सोनिया में घटाए गए उनके वेट के कारण वह बिल्कुल अपोजिट हो गई थी। जब उन्हें जरूरत थी उनका वेट ज्यादा हो एक रेसलिंग मूवी में एज अ रेसलर के तौर पर नजर आने के लिए, जिसमें उन्हें सलमान खान के अपोजिट साइन किया गया था सलमान खान की वाइफ के रोल में। मृणाल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बॉलीवुड में करी साल 2019 की मूवी सुपर 30 से, जिसमें वह दिखी एक्टर ऋतिक रोशन के अपोजिट, जिसके बाद वह हिस्सा रही 2019 में ही आई मूवी बाटला हाउस में। वहीं वह इस साल हिस्सा है अप्रैल में रिलीज होने वाली मूवी जर्सी का। अपना बॉलीवुड में डेब्यू करते ही मृणाल हिस्सा बनी कमर्शियली हिट ब्लॉकबस्टर मूवीज का, जहां एक तरफ तो मृणाल की लाइफ में एक ऐसा समय भी था जब उन्हें सलमान खान के अपोजिट साइन करने के बाद रोल से बाहर करा गया, वहीं उनके साथ ऐसा भी रहा कि डेब्यू करते ही वह हिस्सा बनी 2 ब्लॉकबस्टर हिट मूवीज का। मृणाल ने अपने करियर में काफी दिक्कतों का सामना करा है। लव सोनिया का हिस्सा बनने के लिए भी उन्हें 80 से ज्यादा बार ऑडिशन देना पड़ा, तब जाकर उन्हें मौका मिला मूवी में सोनिया का रोल प्ले करने का। मृणाल आज उस मुकाम पर है जहां उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने ये सब अपनी मेहनत के दम पर हासिल करा है। हमें भी उनसे ये सब सीखना चाहिए कि सिर्फ मेहनत और धैर्य के दम पर ही हम वह सब अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।